मकान की छत के लैंटर पति पत्नी के ऊपर गिरा, गंभीर घायल। परिजनों का आरोप, सर्कुलर डैम में हो रही ब्लास्टिंग से हो रहा है कंपन। पौरे कस्बे के पुराना थाना किला क्षेत्र में बीती रात एक मकान की छत के लैंटर पति पत्नी के ऊपर गिर पड़े, जिसे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक परसों पुराने पौरे किले के भीतर बस्ती के रहने वाले राजेंद्र त्रिवेदी और उनकी पत्नी अनिता त्रिवेदी एक कमरे में थी, तभी रात 10 बजे कमरे की छत के बड़े बड़े 12 लैंटर भर भरा कर गिर पड़े, जिससे छत के मलबे के नीचे दोनों दब गए। बताया जा रहा है कि दंपति का बेटा हेमंत कुछ मिनट पहले ही कमरे से बाहर निकला था, जिसने पड़ोसियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला था। मलबे के नीचे दबने से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पोहरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके उपरांत दंपति को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डैम में हो रही है ब्लास्टिंग से हो रहा कंपन। बता दें कि किला के भीतर बस्ती में निवासरत परिवार पुराने जमाने से घरों में ही निवास करते हुए आ रहे हैं, जिसके चलते मकान काफी कमजोर हो रखा है। परिजनों का कहना है कि किले के पास सर्कुलर डैम पर निर्माण काम चल रहा है, जिसके चलते ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग में अधिक बारूद का इस्तेमाल करने से किले के भीतर निवास करने वाले लोगों को कंपन महसूस हो रही है। ये घटना ब्लास्टिंग में हुए कंपन के चलते घटित हुई है। धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।